भदोही जिले के गड़ेरियापुर ग्राम पंचायत में 5 साल पहले गड़ेरियापुर उप स्वास्थ्य केंद्र बना था, परंतु आज तक उस उप स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वहाँ लक्ष्मण प्रसाद सहित 14,000 आबादी के लोगों को दवा के लिए 15 से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र न चलने से क्या परेशानी होती है आपको? समस्या यह है कि जो बच्चों को विटामिन ए पिलाया जाता है और जो अन्य प्रकार की दवाइयाँ दी जाती है वो कोई नहीं देती, कुछ नहीं देती। और अगर मर्द अगर जाते हैं वहाँ लेने के लिए तो उनको मना कर देती है, कोई नहीं आवे नहीं तो उनको फंसाएगी। और महिलाएं उनको बुलाती है कि जो एनम चाहे वही करे, कोई महिला बोले ना, वही चीज़ वो चाहती है, कैसी औरतें यहाँ लेकर बच्चों के आवे और नहीं वो भी मत आवे, मतलब एकदम दबदबा बना के रखती है। कब आती हैं एनम? वही कभी का वो जो टीका लगता है एक महीने में वही एक बार आती है, उसके बाद कभी नहीं। बाकी और कोई परेशानी हुआ तो? परेशानियाँ तो हो तो ज्ञानपुर जाए, ज्ञानपुर अस्पताल से लेकर आवे, कोई भी दिक्कत हो औरतों के या बच्चों के या किसी को तो ज्ञानपुर लेकर जाना पड़ता है। और ये जो है कि हम लोगों से अच्छे बर्ताव नहीं रखती। सेंटर सही चले इसलिए कुछ प्रयास किया गया था? एप्लीकेशन दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ है उस पर। आपके गाँव में स्वास्थ्य केंद्र बना था? चला था? नहीं। कितना दिन अभाव बने? 5 साल। तब से ना चालू है? ना। कभी क्यों आवत है? नहीं। तो कहाँ जाती ना आप लोग दवा ले? ज्ञानपुर जाए थे दवा ले, आओ जाए बड़ी दिक्कत होता, भाड़ा लगा था, लड़कियन के टीका लगवा को था, तो ज्ञानपुर लेके जाए थे, वहाँ दिन भर बीत जाता, परेशानी हो था बहुत। कहाँ चाहती आप? हम चाहत है कि यहाँ के चालू हो जाइए, हमें सबके कोनो दिक्कत ना हो, ज्ञानपुर ना जाए पड़े। स्वास्थ्य केंद्र खुलत है? कब खुलत है? हर महीना में खुला था, और जब टीका मतलब बीच में अभियान चला था तब भी। एनम आवत थी? हाँ एनम आवत थी, हाँ टीका लगा था। आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बना है? हाँ स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर एनम नहीं आती हैं और यहाँ पर बहुत समस्या होती है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं टीका कराने, 8-10 किलोमीटर ज्ञानपुर जाते हैं, यहाँ डॉक्टर भी नहीं आते हैं पता करने कि यहाँ कोई रहता है कि नहीं रहता, दवा मिलती है जनता को नहीं मिलता है। यहाँ 5 साल हुआ बने इसको। मैं चाहता हूँ कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की जाए, जिससे लक्ष्मण प्रसाद सहित 14,000 आबादी के लोगों को दवा के लिए और टीका करने के लिए दूर न जाना पड़े। इसके लिए आप भदोही जिले के CMO जिनका मोबाइल नंबर है 94-15-86-81-02 पे दबाव डालकर आप हमारी मदद करें। मैं अनिल कुमार सरोज संगरविदास नगर भदोही से इंडिया अलर्ट के लिए।